हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में मोलैरिटी मोलैलिटी का डेफिनेशन देखे थे, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल भी दो कर लिए थे मोलैरिटी से रिलेटेड। हम लोग मोलैलिटी भी आपको बता दिया था कि मोलैलिटी क्या होता है। तो ये सॉल्यूशन का सेकेंड लेक्चर है। सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। सेकेंड वन हम लोग बताए थे मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है एक बार दोबारा मैं बताता हूँ। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और किसमें? केजी में। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इस पे एग्जांपल एक करते हैं। क्वेश्चन ये है 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड मोलालिटी। तो क्या हो रहा है, 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। सॉल्वेंट आपका, सॉल्वेंट का वेट इसने यहाँ पे दे रखा है, तो सॉल्वेंट का वेट हम लोग ले लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना हो गया, जो गिवन क्वांटिटी उसको लिख लेना पहले 100 ग्राम। इसको आप केजी में यही भी बदल सकते हैं, या तो लास्ट में मैंने फॉर्मूला भी बताया था क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू कन्वर्ट इन इसमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए। और देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 7.45 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने बताया था क्या, किसे डिनोट करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा, एन से डिनोट करेंगे, एन एस मान लेते रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 7.45 गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास। तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद हो, KCl। पोटेशियम का होता है कितना, 39, इसका कितना हो जाता है 35 प्लस 5 हो जाएगा, तो अप्रोक्स देखिए कितना आ जाएगा 39.5 प्लस 9 4 3 प्लस 3 7 74 प्लस 74 पॉइंट क्या 4 ग्राम मोलर मास हो जाएगा किसका, सीएल का पर मोल। तो क्या हो जाएगा, देखिए मोलर हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 70.74 किससे, 5 से। तो देखिए यहां से एक डेसिमल जब हम लोग हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 00, और यहां से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 00 कट गया, ये इसके साथ कट गया, कितना बच गया 1 बाई 10 मोल्स, यानी 0.1 मोल आपका डिजॉल्व हो रहा है किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला अभी देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में, 0.1, और केजी में यहाँ पे नहीं है, किसमें दिया हुआ, देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया 100 ग्राम। तो इसको हमें बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 0 0 इसके साथ कट गया, 10 × 0.1 कितना जाएगा 1 m, या तो इसको m से डिनोट किया जाता है मोलालिटी को, मैंने बताया था, या तो क्या बोलेंगे मोल पर क्या केजी। तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल था, एग्जांपल था किस पे आधारित, मोलालिटी पे बेस्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, मोलालिटी देख लिए थे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन, चलिए देखते हैं मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन से आपको पता चल रहा है कि कोई भी नंबर आपका भिन्न में लिखा होता है, मींस क्या रेशियो बस बताता है, बस ये ध्यान रखना है। मोल फ्रैक्शन में क्या बताता है, रेशियो बताता है किसका, कोई भी कंपोनेंट है ए बी सी मान लेते हैं सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन एक बार हेडिंग डालते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कोई भी आपका सॉल्यूशन है, हम लोग मान लेते हैं एक सॉल्यूशन कंटेनर के अंदर ए बी सी कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे हैं, ए बी और सी मिक्स कर रहे हैं, इसका मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स आपका एन ए है, और इसका नंबर ऑफ मोल्स एन बी, और इसका नंबर ऑफ मोल्स सी है इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ आपका जैसे मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मोल फ्रैक्शन को एक्स से। अगर आपको एक्स ए निकालना है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी क्या हम लोग बोल सकते हैं एक्स से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हम लोग कितना बोल रहे हैं एन ए अपॉन में देखिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो सारे कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको ऐड कर देंगे बस, तो यही होता है मोल फ्रैक्शन। हम लोग ये किसका लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना चाहते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसे डिनोट करेंगे, मोल फ्रैक्शन को एक्स से करते डिनोट, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा एन बी अपॉन फिर से टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिमिलरली अगर एक्स सी निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल, यानी एन टी हम लोग बोल देते हैं टोटल मोल प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन, यही होता है क्या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ, हम अगर मान लेते हैं हम लोग सॉल्यूट का लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो किसी का भी लिखना चाहते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन आप लिख रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट मान लेते हैं ए हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग सॉल्यूट अगर मान लेते हैं सॉल्यूशन हमारा हम लोग मिक्स करके बना रहे हैं, ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करके बना रहे हैं, यहाँ पे ए और प्लस बी मिलके मेरा क्या बन रहा है सॉल्यूशन अगर बन रहा है, तो हम लोग अगर ए का लिखना चाहते हैं क्या मोल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला, एक्स ए का अगर हम लोग लिखना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ क्या किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, अपॉन क्या बोलेंगे टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन।
तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक को एक हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए से। और हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि इस कंटेनर के अंदर हम लोग दो कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं, ए और बी। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, एन ए प्लस और नंबर ऑफ मोल्स किसका जोड़ देंगे, बी का। तो ये हो गया किसका, एक्स ए निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी एन बी, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दैट इज एन ए प्लस एन बी। अब एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम लोग एक्स ए और प्लस एक्स बी एड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एन ए प्लस अपॉन में क्या है, एन ए प्लस एन बी और एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या आ रहा है, टोटल नंबर सॉरी मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल अगेन एन ए प्लस क्या एन बी। नीचे देखिए हम लोग एलसीएम ले सकते हैं कि इसको एन ए प्लस एन बी एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या बन रहा है, एन ए प्लस एन बी। तो ये ओवरऑल कट के क्या बन गया, वन। तो ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। मोल फ्रैक्शन ऑफ जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो रहे हैं सॉल्यूशन में सबका मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, वन आएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। एक बार सॉलिड और सॉल्वेंट से रिलेटेड एक बार डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन को। चलिए देखते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर मान लेते हैं आपका सॉल्यूशन में हम लोग दो चीज मिक्स कर रहे हैं, एक सॉल्यूट है दूसरा आपका क्या है सॉल्वेंट है, दूसरा आपका सॉल्वेंट है, दोनों मिक्स होके क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सॉल्यूट से। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। अब देखिए हम लोग हर बार ना ये चीज हम लोग निकालेंगे नहीं, अगर मान लेते दो कंपोनेंट मिक्स हो रहा है कोई भी सॉल्यूशन में तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो ऑलवेज अभी क्या होता है, वन आएगा। तो जब अगर आप एक्स सॉल्यूट किसी एक का निकाल लियो, दो कंपोनेंट मिक्स हो रहा है कोई एक का आपने निकाल लिया कैलकुलेट करके निकाल लिया तो सेकेंड का आपको फिर से अगेन फॉर्मूला फिर से डिविजन आपको करना नहीं है। एक्स सॉल्यूट कैसे आ जाएगा, एक्स सॉल्वेंट आपको एक्स सॉल्यूट आप मान लेते निकाल चुके हो तो एक्स सॉल्वेंट क्या लिख देंगे, वन में बस घटा देंगे जो मोल फ्रैक्शन आपका आया हुआ है किसका सॉल्यूट का, उसको घटा देंगे वन में से तो मोल फ्रैक्शन किसका निकल जाएगा, सॉल्वेंट का निकल जाएगा। ये ध्यान रखना है। एक बार इसका कंप्लीट रूप से एक फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, अगर मान लेते हैं हम लोग एक कंपोनेंट एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वन से लेके एन तक कंपोनेंट मिक्स किए हैं, एन कंपोनेंट मिक्स किए हैं तो सबका मोल फ्रैक्शन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट डॉट एक्स एन ऑलवेज इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। ये ध्यान रखना है, क्लियर है। यानी कि अगर हम लोग किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं एक्स आई लिखना चाहते हो तो एन आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन आई लिखेंगे और ये एन को वैरी कराएंगे वन टू एन, क्लियर है। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, यानी अगर हम लोग मान लेते आई की जगह पे वन रखे तो हमें किसका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, पहला कंपोनेंट का मिल जाएगा एक्स वन अपॉन, तो एन वन अपॉन क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन वन प्लस एन टू प्लस अप टू कहां तक, एन तक, एन एन तक, ठीक है। एन कंपोनेंट का भी आपका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक बहुत ही आसान सा सवाल एग्जांपल लेते हैं इसके मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड। देखिए
तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड एक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, एग्जांपल वन देख रहे हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन पे, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर contains 54% water by mass. Calculate the mole fraction of alcohol and water. दोनों का हमें निकालना है, मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर मिक्स किया गया है, लेकिन वह ये सॉल्यूशन जो है कंटेन कर रहा है वाटर कितना, 54% बाय मास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 54% वाटर बाय मास। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो देखिए अगर परसेंटेज में आपको पता हो कि जैसे अगर लिखा हुआ है 100% में अगर कोई 40% मार्क्स ला रहा है, मीन्स क्या कि वो बस 40 मार्क्स गेन कर रहा है आउट ऑफ 100। तो अगर हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट कर लेते हैं कि सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लेट कर लेते हैं कितना है, 100 ग्राम है। अब जितना भी मानना चाहते हो मान सकते हो, 200 ग्राम मानना चाहते हो 200 ग्राम ले लो, 1000 मानना चाहते हो 1000 ग्राम ले लो, बट आपको हमेशा कितना लेना है, 54% वाटर लेना है बाय क्या, मास। तो देखिए वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, यानी मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, देखिए इस सॉल्यूशन में 54% बोल रहे हैं, दैट इज कितना हो जाएगा 54 ग्राम, और बाकी जो बच गया वो क्या रहेगा, अल्कोहल रहेगा, दैट इज इथेनॉल रहेगा। और फिर देखिए वेट ऑफ अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल होता है, ये इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो ये कितना परसेंट हो रहा होगा, बाकी रिमेनिंग यानी कितना, 100 माइनस 54, दैट इज 46 ग्राम। अब दोनों के ही हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन में दोनों की नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना नेसेसरी है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो, किसका, वाटर का, एन वाटर दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, गिवेन मास दैट इज 54 ग्राम, और मोलर मास ऑफ वाटर आपको याद हो H2O का हमेशा याद रखना कितना होता है, 100 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका देख लो वाटर का सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट हो रहा है, 3 मोल आपका प्रेजेंट हो रहा है वाटर किसमें, सॉल्यूशन में। और देखिए इथाइल अल्कोहल का आप देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल का मोल कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो रहा है, कैसे निकलेगा, गिवेन मास दैट इज 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास देखिए इथाइल अल्कोहल का कितना हो जाएगा, 12 × 24 प्लस देखिए हाइड्रोजन टोटल 6 है, 6 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना 16, तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए 30 + 16 दैट इज 46, तो 46 डिवाइडेड बाय 46 1 मोल प्रेजेंट हो रहा है क्या, अल्कोहल। तो हमें चाहिए था किसका, दोनों का चाहिए, चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा, एक्स अल्कोहल हम लोग लिखेंगे, दैट इज एक्स रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल अपॉन टोटल मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना हो रहा है, 1 मोल प्रेजेंट हो रहा है, टोटल मोल कितना अल्कोहल का 1 और वाटर का कितना 3 मोल, तो 1 + 3 दैट इज 1/4। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 0.25 मोल फ्रैक्शन का। देखिए ध्यान दीजिएगा इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर भी रख रहे हैं नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, दोनों कट गया क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचेगा, तो मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, मैं नोट करवा देता हूँ अभी थोड़ी देर में, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमने क्या बोला कि अब देखो सॉल्यूट का आपने निकाल लिया,
सॉल्वेंट का अगर निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है तो बस क्या करेंगे, वन में घटा देंगे किसका, अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन आया हुआ है उसको वन में घटा देंगे, वन माइनस 0.25, 0.25 में वन घटा देंगे कितना जाएगा 0.75, राइट 0.75, और इसका यूनिट नहीं होता। तो नोट करके लिख लीजिए क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ऐसे करके हम लोग नोट करके लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका यूनिट नहीं होता, तो ध्यान रखना है। तो नोट करके लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इज एन यूनिट लेस क्वांटिटी, राइट। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट, नॉर्मेलिटी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग थर्ड देख लिए मोल फ्रैक्शन, फोर्थ वन दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। नॉर्मेलिटी का क्या डेफिनेशन है, जैसे मोलारिटी में हम लोग देख रहे थे, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, और नॉर्मेलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ये होता है डेफिनेशन किसका, नॉर्मेलिटी का। अब देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, नॉर्मेलिटी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इसमें इन लीटर, राइट। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, नॉर्मेलिटी का। अच्छा ध्यान दीजिए, एक्चुअली यहाँ पे देखिए एक टर्म आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी का एक नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए बस हम लोग मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे और उसको देखेंगे हम लोग कैसे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं एन फैक्टर और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है। नंबर ऑफ हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मेलिटी, अच्छा इसका यूनिट देखो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, यूनिट भी लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होता है, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर क्या, पर लीटर, क्या हो जाएगा पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या तो हम लोग क्या बोलेंगे सिंपली एन से लिख सकते हो, क्लियर है, कैपिटल एन से लिख सकते हो। अब इसमें भी देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपको कहीं पे किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आपको दे दिया है 2N, तो समझ जाना है कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहा है पर लीटर सॉल्यूशन में, राइट। 0.5N दिया हुआ है, मतलब 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहा है पर लीटर सॉल्यूशन में, यानी 1000 मिलीलीटर में 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग रिलेशन एक देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में हम लोग कैसे रिलेशन को डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेलिटी हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन किसमें, लीटर में, इन लीटर,
वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा ध्यान दीजिए, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे आता है, इसलिए होता है क्या, गिवेन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या चीज, इक्विवेलेंट मास, गिवेन मास बाय इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो क्या गेट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, क्या चीज, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं तो देखिए मोलैरिटी क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम ऑफ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट रख रहे तो क्या रख रहे, गिवेन मास, तो गिवेन मास हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, लिखते हैं गिवेन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या हो रहा है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा एन फैक्टर, और अपॉन में देखिए नॉर्मेलिटी में क्या लिख रहे थे, ये हम लोग निकाले, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल चुके हैं, राइट। अब देखिए नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज किसमें भी, वो भी लीटर में। अब देखिए गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, ये मोल्स हो जाता है एन सॉल्यूट का, क्या चीज, एन सॉल्यूट हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, और हॉल इनटू एन फैक्टर, तो एक फॉर्मूला बन गया किसका, नॉर्मेलिटी का। अब देखिए एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। एन सॉल्यूट को जब डिवाइड करते हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी किसमें रख के, इन लीटर, तो बन जाता है क्या, मोलैरिटी, और हॉल इनटू बस क्या, मोलैरिटी को बस गुना कर देंगे किससे, मोल एन फैक्टर से, तो क्या गेट करेंगे, नॉर्मेलिटी गेट करेंगे। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया क्या चीज, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी हॉल इनटू एन फैक्टर, राइट। अब रही बात एन फैक्टर होता क्या है, एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलैरिटी फाइंड करेंगे, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या गेट करेंगे, नॉर्मेलिटी गेट करेंगे। ये रिलेशन होता है किसके बीच, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। चलिए देखते हैं एन फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ आप लोग को, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एन फैक्टर देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंड कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, जैसे अगर आपका एसिड रहा, जैसे एसिड है, अगर एसिड रहा तो हम लोग देखिए नंबर ऑफ, हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन जो सॉल्यूशन में, जब ये आपका एसिड मिक्स होता है तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन वो गिव्स कर रहा है, लीव्स कर रहा है, ये हमें देखना रहता है, डोनेट कर रहा है। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, नंबर एसिड के लिए, जैसे देखिए अगर आपका है NaOH है, तो NaOH में देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितना ये देता है, हमेशा NaOH सॉल्यूशन में 1 देता है, तो इसके लिए N फैक्टर कितना हो जाएगा, N फैक्टर 1 हो जाएगा, किसके लिए, NaOH के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर KOH रहा, KOH है, इसके लिए भी N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं BaOH हॉल 2 रहा, तो इसके लिए N फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। अब इसी तरह से जैसे आपका, सॉरी ये एसिड के लिए नहीं है, ये किसके लिए, बेस के लिए, किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, ये बेस के लिए है ना। अच्छा देखिए नेक्स्ट एसिड के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे एसिड में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एच प्लस आयन, राइट, एच प्लस आयन, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl है, तो HCl के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं आपका H2SO4 है, तो
तो ये कितना हमेशा लीव करता है सॉल्यूशन में, 2H प्लस आयन लीव करता है, देयरफॉर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे अगर H3PO4 रहा तो ये कितना लीव करता है, 3 हाइड्रोजन लीव करता है, इसलिए क्या होगा एन फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। अब जैसे अगर आपका साल्ट है, साल्ट हम लोग इस कर रहे हैं इसमें सॉल्यूशन में, अगर आपका साल्ट प्रेजेंट हो रहा है तो उसमें क्या देखते हैं, नंबर ऑफ चार्ज देखते हैं, क्या चीज, नंबर ऑफ चार्ज। जैसे देखिए आपका NaCl है, तो NaCl हमेशा ब्रेक कैसा होगा, Na प्लस Cl माइनस, तो Na पे कितना चार्ज है, 1 है, देयरफॉर n फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए, NaCl के लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे आपका कितना है MgCl2 है, क्या MgCl2, तो इसके लिए कितना हो जाएगा Mg2 प्लस, और ये किसमें टूटता है, 2Cl माइनस में, देयरफॉर इसका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए नंबर ऑफ चार्ज कितना है, नंबर ऑफ चार्ज टोटल आपका 2 है, देयरफॉर n फैक्टर कितना हो जाएगा MgCl2 का, n फैक्टर हो जाएगा कितना, 2, राइट। अब जैसे देखिए अगर आयंस रहा तो उसमें बस क्या लिखना है, ये क्लियर हो गया, अच्छा सॉरी, बेस एसिड और साल्ट, आयंस अगर है तो उसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे उसमें भी, इधर प्लस, अगर आप इसमें देखिए नंबर ऑफ, आप या तो प्लस देख सकते हो या फिर माइनस देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपको देखना है एन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं नॉर्मेलिटी से, क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल है आपका, मान लेते हैं आपका कितना 10 ग्राम ऑफ एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा नॉर्मेलिटी पे, 10 ग्राम ऑफ NaOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट हो रहा है किसमें, प्रेजेंट इन 2 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, तो फाइंड आउट करना है क्या, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, हम लोग अभी क्या बोले कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलैरिटी को बस n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, अब देखिए 10 ग्राम प्रेजेंट हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका 23, इसका 16, इसका 1, कितना हो जाएगा 40 अपॉन कितना 40 अपॉन वॉल्यूम कितना हो रहा है, 2 मिलीलीटर नहीं था, 2 लीटर है, ठीक है 2 लीटर है, तो 2 से डिवाइड किया, एन फैक्टर देखिए अभी हमने बताया NaOH के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए, NaOH के लिए फॉर NaOH एन फैक्टर कितना हो जाता है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज कितना 1, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 0 0 कट गया, क्या हो जाएगा 1 बाय, देखिए 4 into 2 8, तो 1 बाय 8 एन आ जाएगा इसका क्या, नॉर्मेलिटी, इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी 1 बाय एन, राइट। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, नॉर्मेलिटी पे ही एंड करते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग, परसेंटेज कंपोजिशन बच रहा है और PPM बच रहा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे 1 बाय 1 करके। थैंक यू, धन्यवाद।